हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कल नारनौंद के अंदर पहुंच रहे हैं। ये उनका 3 दिवसीय दौरा है और तीसरे दिन के दौरान वो नारनौंद के अलग अलग जगहों पर जाएंगे। इस दौरान पुलिस की तरफ से कैसी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, हमारे साथ हांसी के एसपी श्री मकसूद अहमद जी मौजूद है। सर, सीएम साहब को लेकर किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? पिछले काफी दिनों से आप लगातार अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से किस प्रकार के इंतजाम किए गए? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से हमने कल, हमारे यहाँ 3 जगह प्रोग्राम है। सीएम साहब जो है गुराना में आएंगे पहले हेलीपैड से, और उसके बाद में गुराना में प्रोग्राम होगा, वहाँ चाय का प्रोग्राम होगा, फिर वो नारनौंद में आएंगे प्रोग्राम के लिए, और यहाँ पे फिर लंच का भी प्रोग्राम है, और उसके बाद में फिर उगालन में प्रोग्राम करके चाय का प्रोग्राम, और वहां से फिर बाई एयर ही उनकी वापसी है। तो इस पूरे प्रोग्राम के लिए हमने अच्छे से सुरक्षा प्रबंध किए हुए हैं। हमने 1000 पुलिस मुलाजिमों की ड्यूटी लगाई है, 6 DSPs, 19 इंस्पेक्टर और साथ में 1000 पुलिस मुलाजिम है। उसके अलावा हमने जो है 25 हमारे नाके लगाए हैं, जो कि सारे नाकों पे 5-5 मुलाजिम ड्यूटी रहेगी। पूरी रूट की ड्यूटी अलग से रहे, हमारी ट्रैफिक की पूरी ड्यूटीज के लिए लगाई गई है। सर, कई बार ये शिकायत रहती है आम जनता को कि उनका कार्यक्रम है और उनको ही प्रवेश नहीं करने दिया गया, क्या इस प्रकार का भी कोई रहेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। जनसंवाद कार्यक्रम जो है वो सीएम साहब जो है जनता के साथ ही संवाद करने के लिए आ रहे हैं, तो पूरी तरह से जनता के लिए पूरी खुली एंट्री रहेगी, कोई ऐसी बात नहीं है। जितना भी जनता जो आने चाहे पूरी तरह से आ सकती है जी। और अगर जनता कुछ बात पूछना चाहे तो उसके लिए भी आजादी है? बिल्कुल आजादी है, कोई हमारी तरफ से कोई ऐसी बंदिश नहीं है, प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ स्टेज पे रहेंगे, उसके दौरान जैसे भी जनसंवाद का कार्यक्रम होता है, पीछे भी आपने देखा होगा उसी फॉर्मेट में प्रोग्राम होता है, उसके बीच में जनता से भी पूरी तरह से सीएम साहब जनता को टाइम देते हैं, जनता को मौका देते हैं अपनी बातें रखने का, अपने सवाल पूछने का। एसपी साहब, कुछ संगठन जो है वो मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपनी मांग रखना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था की गई है सीआईडी के माध्यम से या किसी तरीके से कि वो उनसे मिल सके? ये हमारे पास में रिक्वेस्ट आई है कुछ संगठनों की, तो हमने वो रिक्वेस्ट जो है आगे सीएम ऑफिस में भिजवा दी है, तो जैसे भी उस हिसाब से आदेश आएंगे, जिनको परमिशन मिलेगी मिलने की, जो भी आई है उस हिसाब से उनको मिलवाया जाएगा पूरी तरह से जी। सर, आपने 1000 पुलिस के जवानों की तैनाती की बात की है, वो सिविल ड्रेस में रहेंगे या फिर पुलिस की ड्रेस में? वो मिक्स रहेगा, उसमें 1000 के अंदर हमारे सिविल के मुलाजिम रहेंगे सिविल ड्रेस में, और उसके अलावा वर्दी में भी रहेंगे, ट्रैफिक वाले जो है ट्रैफिक की वर्दी में रहेंगे, तो पूरा मिक्स रहेगा, पूरा मिलाकर के टोटल 1000 मुलाजिम जी। ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो क्योंकि ये जो कार्यक्रम आपने किया है, एक तरह से शहर के अंदर हम बात कर सकते हैं, आमतौर पर जो कार्यक्रम होते हैं वो दूर इलाके में होते हैं, तो उसको लेकर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर किस प्रकार के प्रबंध है? ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से हमने अलग से ट्रैफिक की जो है जवान बुलाए हैं, हमारे खुद के जिले के जवान है, उसके अलावा रेंज में अदर डिस्ट्रिक्ट से भी जवान आए हैं, और पूरी तरह से ट्रैफिक की ड्यूटी भी अच्छे से लगेगी, और कोई भी रूट जो है पूरी तरह से जनता को ये कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि किसी तरह की परेशानी का सामना उन्हें करना पड़े, और पूरी तरह से अच्छे से ड्यूटी लगेगी। अंतिम प्रश्न, अगर कोई इस दौरान हुड़दंगबाजी की मन में शंका रखता है तो उनके लिए क्या संकेत देना चाहेंगे? ये देखिए, हमारी तरफ से यही है कि भाई पूरी तरह से ऐसी कोई बात ना करें, अगर कोई ऐसी बात होगी तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, हम पूरी तरह से उसके लिए तैयार हैं। ये थे हांसी के एसपी मकसूद अहमद, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि चाक चौबंद व्यवस्था मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए की गई है, किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, और इसके बावजूद भी अगर कोई कानून को हाथ में लेने की बात करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कानून की तरफ से अमल में लाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अजय लोहान, बिंदास रैना।